आतंकी आए और गायब हो गए, ऐसा कैसे हुआ? क्या उन्हें लोकल सपोर्ट मिल रहा है? जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने क्या कहा है ये आपको दिखाएंगे। उनका कहना है कि आतंकियों को पनाह दे रहे जो लोग हैं उनका भी अंजाम सही नहीं होगा, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। खासकर उन लोगों को हम खबरदार कर रहे हैं कि वो तो मरेंगे, उनका कोई आगे पीछे नहीं है, उनके बाल बच्चों को छोड़कर वो है भी कि नहीं हमें पता नहीं है, जेलों से उठा के ला रहे हैं किसको ला रहे हैं। यहाँ के लोग जो उनको सपोर्ट करने के लिए बीच बीच में कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पछताएंगे, क्योंकि उनके घर वाले, उनका स्टेक यहाँ पे, उनकी ज़मीन है, उनकी जायदाद है, उनकी नौकरी है, उनके बगीचे हैं, तो वो इसमें देश के विरुद्ध अगर कोई इस तरीके से काम करेगा बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगा। और हाल ही के दिनों में जम्मू क्षेत्र में हो रहे आतंकी हमलों से 1995 के दौरान हुई खौफनाक यादें ताजा हो गई हैं। तब 10 साल लग गए थे जम्मू क्षेत्र में सुरक्षित लोगों को करने में। जम्मू कश्मीर के DPRR स्वैन ने कहा कि चुन चुनकर आतंकी मारे जाएंगे। गिन गिन के एक एक करके इनको बाउल वाइज हमने 1995 से लेकर 2005 के बीच में, जब इन लोगों ने 10 साल तक जम्मू की रीजन को, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, रामबन को उथल पुथल करने की कोशिश करी, पर लोगों ने डटे रहे और फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री, उन्होंने अपनी एजेंसीज, अपनी पूरी ताकत भिड़ा दी और इनको नस्तनाबूद करने में कामयाब हुए। फिर उसी तरीके का एक चैलेंज अगर हमारे सामने दुश्मन रख रहा है तो हम एकदम से दृढ़निष्ठ हैं, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम इनको मुंह करारा जवाब देंगे, चुन चुन कर, एक एक कर, हम ज़्यादा तो तादाद नहीं है, हम इनको मार गिराएंगे